Good morning, students. This is chapter 5, the Great Indian Desert. Okay? आप लोग जानते हो कि डेजर्ट एरिया भारत के मैप में कहाँ कहाँ पाया जाता है. ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में है, उसके अलावा भी हरियाणा और उससे लगे हुए क्षेत्र गुजरात और थोड़ा बहुत भाग पाकिस्तान में भी आता है. ठीक है, अब लोकेशन ऑफ द डेजर्ट इन इंडिया. सबसे पहला तो बड़ा हिस्सा राजस्थान में है, वेस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्टर्न साइड में है, लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान की हिस्सा, मेड ऑफ द लूज सैंड एंड रॉक. और सैंडी एरिया होने के कारण ये रॉक और उनसे लूज सैंड से बना हुआ है. फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही स्टॉर्म चलते हैं, सैंडी स्टॉर्म चलते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सैंड ड्यून्स फॉर्मेशन के ये बनते बिगड़ते रहते हैं और ये एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, कभी एक जगह से दूसरी जगह सैंड स्टॉर्म के कारण इनका फॉर्मेशन चेंज होता रहता है. क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ना के बराबर या बहुत ही कम मात्रा में होती है, जिसके कारण यहाँ पे वेजिटेशन ना के बराबर ही बहुत ऐसे वेजिटेशन पाया जाता है जिसमें पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है. और ऐसे ही पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे इस तरीके से हैं, बबूल एंड डेट पाम. और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर थोड़ा सा ऊपर निकल के आ जाता है, ऊपर सरफेस एरिया पे, वो क्या कहलाता है, ओएसिस. ओएसिस एरिया जो है आसपास के एरिया में वेजिटेशन थोड़ा बहुत पाया जाता है, जहाँ पे अपने लोग घर बना करके रहते हैं. ठीक है, तो ये ओएसिस एरिया है. और यहाँ पे जिसमें जो कुछ हिस्से में, सबसे बड़ी बात तो ये राजस्थान में केवल एक रीजनल रिवर है, सीजनल रिवर है, तो वो वहां पर लूनी नाम से है. वो एक केवल एक ही ऐसी रिवर है. ठीक है, लाइफ इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट में लाइफ बहुत ही हार्श होता है, क्योंकि यहाँ पर दिन के टाइम में बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि और जो कि रात के टाइम में कूल हो जाता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि सैंड जो है गर्मी से बहुत ही गर्म हो जाता है जल्दी, और कूल ठंडा होने पर बहुत जल्दी कूल भी हो जाता है. इसके कारण से ऐसा होता है. इसलिए लाइफ जो है यहाँ की लैंग्वेज राजस्थानी, मारवाड़ी, हिंदी. फेस्टिवल तीज, गंगवार एंड अदर डेजर्ट फेस्टिवल्स हैं. डांसेस घूमर, चारी, कच्ची घोड़ी. और हाउसेस थिक वॉल एंड फ्लैट रूफ होते हैं. हाउसेस थिक वॉल्स क्यों होती हैं, क्योंकि जो है बाहर की गर्मी बाहर रहे और घर में जो थोड़ा मौसम एक जैसा बना रहे. ठीक है, एंड फ्लैट रूफ क्योंकि वहाँ बारिश तो इतना नो है एंड रेनफॉल भी बहुत ही कम है, इसलिए फ्लैट रूफ रहती हैं. ऑक्यूपेशन, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम है, उसके अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन जो वहाँ पे थोड़ा बहुत मात्रा में पानी बरसने के कारण कुछ ही पार्शन में यहाँ पे क्रॉप उगाई जाती हैं, जो कि हैं ज्वार, बाजरा, मिलेट्स में, मेज एंड पीनट. ये सब मुख्य रूप से यहाँ पर उगाए मिलते हैं. और कुछ ऑयल सीड्स भी हो पाए जाते हैं, यहाँ पर उगाए जाते हैं. और इनका लाइफ स्टाइल नोमेडिक टाइप का होता है. कुछ जगहों पर, एक जगह पर जो बंजारे, उनको बंजारा बोलते हैं, जो बंजारे एक जगह पर सेटल नहीं होते हैं, वो कुछ समय तक वहां पर एक जगह पर रहने के बाद वो अपने स्थान, प्लेस चेंज करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं. इम्पोर्टेंट प्लेसेस, जो राजस्थान के इम्पोर्टेंट प्लेसेस में फेमस, वो अपने फोर्ट के कारण और जो हवेलियां बनी हैं उनके कारण बहुत फेमस हैं. जो मुख्य रूप से कुछ राजस्थान के प्लेसेस, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, ये थोड़े बहुत फेमस हैं और टूरिस्ट के लोगों का अट्रैक्शन का कारण भी हैं. बल्कि यहाँ पे गर्मी होती है, इसलिए लोग सीजनली ही यहाँ पे घूमना पसंद करते हैं. सबसे बड़ी बात, यहाँ पे डेजर्ट में अधिकतर जानवर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन कैमल एक ऐसा जानवर है, एनिमल है, जो कि डेजर्ट एरिया में अच्छे तरीके से सेटल्ड हो पाता है. क्योंकि इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि ये यहाँ के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर रखा है. इसका शरीर जो है अपने आप को डेजर्ट के अकॉर्डिंग इसका सुटेबल है.
क्योंकि इसके पैडेड फीट होते हैं जो कि सैंडी एरिया में चलने के लिए सुटेबल हैं, और कैमल को टिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं। मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि बैक पर हम्प होता है, जिसके कारण क्या होता है कि डेजर्ट अपने कई दिनों तक फूड के बिना, वाटर के बिना कई दिनों तक लाइफ को अपना एडजस्ट कर सकता है और रह सकता है। मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी वहां पर कैमल ही है, जिसकी वजह से वो कहीं पे भी जाना होता है सैंड एरिया में चले जाते हैं। दिस इज द चैप्टर 5। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।